हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्फियन लेबोरेटरीज लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि इसका मार्केट प्राइस देख सकते हो आप, 3,127 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस 56 के आसपास है और 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो बाइंग और सेलिंग का टाइम देगा आपको, पूरा एकदम अपर सर्किट में ही नहीं जाता है दोस्तों, 15 मिनट 20 मिनट टाइम देता है आपको सेलिंग और बाइंग करने का। आरओसी देख सकते हो 23 का है और सबसे बड़ी बात है कि ये 70 इसका बहुत 70 के आसपास से घूम के नीचे आया है, थोड़ा बेस और सपोर्ट आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि एक बार में कुतुब मीनार टाइप का वो बढ़ गया था। तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, 70 के आसपास आपको 70+ टारगेट आपको अचीव होता दिखेगा जून के लास्ट तक। कंपनी डेप्थ रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है, एक्सपेक्टेड टू गुड रिटर्न। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी गुड रिटर्न देने वाला है। तो ऐसे ही कंपनी में आपका पोजीशन होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हो मार्च टू ईयर ईयर आपका 853 करोड़ से लेकर 1,188 करोड़ का आपका एक्सपेंस भी उस हिसाब से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 69 से 120 करोड़ का हो गया। सीएजीआर देख सकते हो 1 ईयर में 250%, और ये 30 का आसपास का हुआ करता था स्टॉक, अभी 58 पे ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले ये 68 के आसपास से घूम गया है। तो ऐसे स्टॉक में, ऐसे हेल्दी स्टॉक में जो 1 ईयर में आपको 300% के आसपास, मतलब 3 गुना करके रिटर्न दे, तो ऐसे स्टॉक में आपको पोजीशन बनना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप अपना पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। मेरे ख्याल से इस स्टॉक में आपका 2% का, अगर कोई फार्मा स्टॉक रख रहे हो तो मॉर्फियन लैब आपके शेयर पोर्टफोलियो में होना चाहिए दोस्तों। प्रोमोटर का होल्डिंग इंटैक्ट है और सबसे बड़ी बात है कि सेल्स ग्रोथ देखो ईयर ऑन ईयर 853 से लेके 1,188 करोड़ का, उस हिसाब से अदर इनकम इंटरेस्ट देखो कांस्टेंट है 2 करोड़ का, और जो भी रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो आप, 3 ईयर्स में 19% का, 5 ईयर में 16% का, लास्ट ईयर में 27% का, और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 3 ईयर में देखो 49, मतलब 50% के आसपास रिटर्न ऑन ग्रोथ दिया है। आरओसी मेंटेन करके रखा है आपका 23%, जो पिछले साल 10% था मार्च में, जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तब 10% था, अभी देखो 23%। तो आने वाले टाइम पे आरओसी में और ज़्यादा चेंजेस होगा। डीआई भर भर के माल उठा रहा है और सबसे ज़्यादा है कि आपका ये कांस्टेंट रखा है प्रोमोटर, मतलब प्रोमोटर को अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ा बढ़ाया है, पब्लिक होल्डिंग इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में बोरोइंग थ्रू हो रहा है, और अभी डेप्थ फ्री कंपनी बन गया इसीलिए आपका 30 के लेवल से 70 के आसपास लेवल जाते हुए दिखा है। आरएसआई ज़्यादा हो गया था, ओवरबॉट में जोन में चला गया था, अभी देखो आरएसआई आपका कम में है और 70% से कम में है, तो गुड टाइम टू कंसीडर इन्वेस्ट के लिए बता रहा है। एंट्री पॉइंट बेस्ट है और कोई एजीएम और जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, और स्टॉक भी देख सकते हो आप 25 का है, जो सेक्टर भी 39 का है। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पे और बड़ा मल्टीबैगर 110 का लेवल भी टच करेगा, और इसमें अपर सर्किट जो लग रहा है आप सेल करके भी जा सकते हो। अब बिजनेस क्या करता है दोस्तों, एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बिजनेस है और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस और डायग्नोस्टिक्स के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हो 5% अपर सर्किट लगा है, 58.80 पे ट्रेड कर रहा है आज, और आने वाले टाइम पे बहुत जल्द आपको 70 के एक लेवल दिखाने वाला है। अब देख लेते हैं इसका रिटर्न ऑन एफडी से, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों। और अभी सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का मॉडल और वेल मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट के वजह से और सबसे अच्छा इसको आपको मिल रहा है। जैसे कि 30 के आसपास था, 20 के आसपास ये शेयर हुआ करता था आपका, ज़्यादा नहीं, अगस्त 2020 में, और अभी देख सकते हो कि कैसा है। तो मॉर्फियन से देखो 190 करोड़ का आपका प्रोमोटर ग्रुप लिक्विड होल्डिंग आपको बढ़ा रहा है, और उस हिसाब से 5 करोड़ इशू किया है कि वारंट्स एग्रीगेटिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और